तेज हवाओं और आसमान में छाए इन बादलों ने दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल दिया है। जिस तरीके की गर्मी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे, अचानक से उन्हें राहत मिली है। मार्च के पहले ही दिन सुबह जो टेम्परेचर था वो घट के करीब 14 डिग्री पे आ गया। मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री रहेगा और आसमान में आप देखिए किस तरीके के बादल नई दिल्ली के इलाके में छाए हुए हैं। और ये सिर्फ नई दिल्ली नहीं और एनसीआर में ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके से बादल छाए हुए हैं और आप देखिए तेज हवाएं चल रही हैं और इसका असर हुआ सीधे मौसम पर। जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था अचानक से उसमें कमी आई है। मिनिमम टेम्परेचर जो अनुमान है कम से कम दो दिनों के लिए वो 14 डिग्री के आसपास रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास रहेगा। और ये जो मौसम में परिवर्तन है इसका अनुमान पहले से ही था और वजह बताई जा रही थी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और इसका असर पहाड़ के इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान है और दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का मौसम अगले दो दिनों तक बना रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले दो दिनों तक जिस तरीके की गर्मी दिल्ली और एनसीआर के लोग झेल रहे थे उससे उन्हें राहत रहेगी।